हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, जून 2023 का महीना कैसा रहेगा वृष राशि वालों के लिए, वृष लग्न वालों के लिए, आज हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। कैसा रहेगा उनका हेल्थ, कैसा रहेगा उनका वेल्थ, कैरियर की स्थिति क्या रहने वाली है, कैसा रहेगा उनका फैमिली लाइफ, कैसा रहेगा उनका सोशल लाइफ, इन सारे चीज़ों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे इतना ही है कि इस पूरा वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। कारण यह है कि आपका ये जो जून माह का मासिक राशिफल है ये कुछ विशेष ही होने वाला है। इसी माह में शनि आपके वक्री भी हो रहे हैं और जो राहु और गुरु का एक जो गुरु चंडाल योग होता है वह एक्टिव होने जा रहा है। इसलिए बेहद खास है आपके लिए जानना कि क्या प्रभाव पड़ेगा इन ग्रहों का, क्या इसके उपाय हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए हम चलते हैं आपकी कुंडली की तरफ। ग्रहों के गोचर के अनुसार इस माह की कुंडली जो है आपको कुछ इस तरह से बन रही है। आपके लग्न में ही सूर्य है, आपके तृतीय भाव में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, हालांकि मंगल नीच के हैं, और आपके षष्ठम भाव में केतु बैठे हुए हैं, आपके दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं और राहु गुरु और बुध की युति बनी हुई है आपके द्वादश भाव में। हालांकि 17 तारीख को ये शनि वक्री हो जाएंगे और ये जो राहु और गुरु का गुरु जो चंडाल योग है इसी माह यानी 27 मई से ही आपका प्रारंभ हो जाएगा कुछ न कुछ असर देना, क्योंकि राहु और गुरु ये डिग्री वाइज बहुत ही आपस में क्लोज होने जा रहे हैं, नज़दीक होने जा रहे हैं। बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हैं कि आपके द्वादश भाव पर गुरु चंडाल योग लग रहा है, लेकिन उसका कोई भी फलाफल आपको अभी तक देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब ये जो युति है वो एक्टिवेट होने जा रही है 27 मई से और इसका असर आपको इसी माह के 26-27 तारीख से ही शुरू हो जाएगा और ये जून माह के प्रथम सप्ताह तक रहेगा। हालांकि इसका हल्का फुल्का असर तो 15-16 तारीख तक भी रहने के योग है। अब आइए सबसे पहले हम आपके लग्न के ऊपर देखते हैं। आपके लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं, आपके राशि स्वामी शुक्र हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये सूर्य क्या करेंगे, हालांकि ये सूर्य आपके राशि स्वामी के मित्र नहीं है, तो ये लग्न में बैठने के चलते थोड़ा सा आपको एक एनर्जी तो अवश्य मिलेगी, थोड़ा सा एक बल की प्राप्ति होगी, एक फोर्सफुल एनर्जी मिलेगी किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन इनकी जो एक दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। सप्तम भाव से वैवाहिक संबंधों को देखा जाता है, व्यापार वगैरह को देखा जाता है। सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि कुछ अच्छी नहीं मानी जाती है। व्यापार वगैरह यदि आप कर रहे हैं तब तो उसके लिए सही है, लेकिन पति या पत्नी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह उतना अनुकूल दृष्टि नहीं होती है। हो सकता है कि आप कहीं का गुस्सा कहीं उतारें, ऐसा हो सकता है कि यदि आपको अपने ऑफिस में डांट फटकार मिलती है तो आप उसका गुस्सा आप अपने पति या पत्नी के ऊपर उतार दें। तो थोड़ा सा आपको समझ के चलना है कि आपको सूर्य के चलते थोड़ा बहुत एग्रेशन आएगा, उस एग्रेशन को आपको अपने परिवार में नहीं दिखाना है, अपने पति या पत्नी पर नहीं दिखाना है, तो आप निश्चित तौर पर आप सेफ रहिएगा। बाकी ये एग्रेशन और कहीं नहीं निकलेगा, ये पूरी कोशिश करेंगे सूर्य कि आपके पति या पत्नी के संबंधों को डिस्टर्ब करें। अब आइए हम देखते हैं शुक्र के तरफ। शुक्र यहाँ थर्ड हाउस में आपके बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस हालांकि इनके लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं है, उसमें भी आपकी कर्क राशि हो जा रही है, लेकिन यहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं, अतः मंगल के वजह से शुक्र को एक बल की प्राप्ति हो रही है। मंगल के पास एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है जो शुक्र को प्रदान करेंगे। शुक्र का अगर मंगल का साथ हो जाए तो निश्चित ही शुक्र बली हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ की ये स्वामी होंगे वहाँ वहाँ पर आपको बल प्रदान करेंगे। तो ये एक तो खुद आपके राशि के स्वामी हैं और दूसरा षष्ठम भाव के स्वामी हैं। तो राशि आपकी मजबूत होगी, राशि मजबूत होने का मतलब है कि आप मजबूत हो जाइएगा, तो आपके अंदर का जो एक व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा, आपके चेहरे में एक ओज आएगा, आपको एक बल की प्राप्ति होगी। और दूसरी जो राशि है आपकी षष्ठम भाव में है, षष्ठम भाव ऋण रोग शत्रु का है, तो शत्रु भी आपसे पीछा छुड़ाते हुए नजर आएंगे। अगर कोई बहुत बड़ा लोन वगैरह भी हो गया होगा तो यह महीना आपको चांस देगा कि आप उसकी भरपाई कर पाइए। बीमारियों से भी आपको निश्चित ही राहत मिलेगी। अब शुक्र क्या करेंगे आगे, तो मंगल और शुक्र की संयुक्त दृष्टि आपके नवम भाव पे जा रही है। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, नवम भाव आपके पिता का भाव है, नवम भाव आपके धर्म का भाग है।
तो मंगल की यहाँ पर ऊंच की दृष्टि पड़ रही है और साथ में शुक्र का भी कहीं ना कहीं सहयोग है। तो इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि अगर इस माह में अगर कोई व्यक्ति भाग्यशाली है तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भाग्य से होने वाले सारे काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। निश्चित ही सारा रुका हुआ काम जो भाग्य के बदौलत कल को पूरा होने वाला था तो वह पूरा होगा। ऐसे ऐसी बहुत सारे काम आपकी स्वतः हो जाएंगी जिसका आपको अनुमान नहीं था, कभी आपने सोचा नहीं था। यानी भाग्य आपका इस माह में बढ़ चढ़ कर साथ देगा और धर्म के प्रति भी आपका लगाव रहेगा। यदि आपके पिता की स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा सा नाजुक रहती थी तो उसमें भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि शुक्र जहाँ के स्वामी हैं और ये जहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं मंगल के वजह से, वह सारा चीज़ आपको कहीं ना कहीं अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। अब आइए हम देखते हैं शनि की तरफ। शनि आपके कैरियर भाव में बैठे हुए हैं, स्वराशिकर होकर बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। ये 17 जून को वक्री हो रहे हैं, अभी तक तो ये मार्गी थे और ये वक्री अवस्था में ही लगभग 140 दिन रहेंगे। तो इसका क्या परिणाम आएगा? तो मैं तो यही कहूँगा कि कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी रिस्क अभी आप मत लें, कम से कम 140 दिन। स्विच वगैरह अगर आपको करना है तो आप जब ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे उस समय करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मित्रों, वक्री में ऐसा नहीं है कि शनि की चाल उल्टी हो जाती है, शनि की दृष्टियाँ उल्टी हो जाती है। जैसा रहता है उसी तरह से रहता है, लेकिन यहाँ पर शनि थोड़ा सा खुद संकट में आ जाते हैं। जो फल उनको समय अनुकूल दे देना चाहिए उस फल में वो थोड़ा सा और विलम्ब कर देते हैं। यही कारण है कि शनि की वक्री होना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, अब रहा सवाल कि ये शनि आपकी कुंडली में किस तरह से बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे शनि हैं तब तो आपको उसका इफेक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डैमेज स्थिति में है तो यहाँ पर वक्री होना शनि का थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव जरूर कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा। तो इस शनि की वक्री अवस्था में आप करियर से रिलेटेड किसी भी तरह का रिस्क न लें। हाँ, यदि आप जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं, करियर बनाने की चाह में हैं तो आप वो काम करते रहें, धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलेगी। भले समय से जो मिलना चाहिए उसमें थोड़ी बहुत विलम्ब देखने को मिल सकती है। और इसके बाद दूसरी सबसे जो बड़ी घटना है वो आपको राहु और गुरु का जो गुरु चंडाल योग है उसको लेकर होने वाली है। ये आपको 27-28 मई से ही आपके राहु और गुरु बहुत नज़दीक आ रहे हैं, यानी इन दोनों की डिग्री एक हो रही है। निश्चित ही इनका कोई ना कोई प्रभाव अवश्य आपके कुंडली पर पड़ेगा, बाकी सारे राशि वालों पर पड़ेगा, लेकिन आपके ये द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो ये द्वादश भाव को ही ज़्यादा इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इनका क्या फल होगा? राहु क्या है? राहु एक निगेटिव प्लानेट है, वे हमेशा चाहेंगे कहीं ना कहीं आपको बुराई की तरफ ढकेलें, कि कोई किसी न किसी तरह का आपको नुकसान कराएं। यानी राहु ये पूरा जोर लगाएंगे कि आपको कोई ना कोई बैड इफेक्ट दें और गुरु आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये आपकी कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, आपके कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, कौन सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रह है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी गुरु एक सात्विक ग्रह हैं, एक सद्मार्ग पर चलने वाले ग्रह हैं, वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि राहु मेरे साथ बैठकर और कुछ बुरा कर जाए। अब समझना ये है कि राहु आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मित्रों, ये गुरु के साथ है, सबसे पहले तो ये आपका बुद्धि और विवेक, जो विजडम है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तभी इनकी दाल गल सकती है, अन्यथा नहीं गल सकती है। तो जब आपका विवेक मारा जाएगा, आपका जो एक विजडम है वो ख़त्म होगा, निश्चित ही ये राहु कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ ये खर्च भाव पर बैठे हुए हैं तो खर्च में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। हमेशा ये चीज़ देखना होगा कि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा या अनायास किसी गलत कामों में मेरा पैसा न खर्च हो जाए। तो आपको अपने बुद्धि विवेक पर ही सिर्फ कमांड करना है। अगर आप अपने सोचने और समझने की शक्ति को प्रबल रखिएगा तो ये राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि राहु चाहेंगे कि आप कहीं गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दें, आप कहीं गलत जगह अपना रुपया गंवा दें। हाँ, देश विदेश से अगर आप कोई रिश्ता रखते हैं, जाते हैं आते हैं या डॉक्यूमेंट वगैरह पर साइन सिग्नेचर करते हैं
तो उस स्थिति में भी ये थोड़ा सा हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कोई गलत रास्ता आपको पकड़ाने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, जो भी करना है आपको बुद्धि और विवेक को सही रख कर करना है। हालांकि 7 तारीख तक यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं, सामंजस्य की स्थिति तो बनाए ही रखेंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधानी से चलना है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि राहु किसी भी तरह का आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना करें, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप माता दुर्गा का पूजा अर्चना कीजिए। हो सके तो कवच, अर्गला और किलक, ये तीनों स्त्रोत हैं, इनका अगर आप प्रतिदिन कम से कम इतने ही दिन, जब से ये प्रभावी हो रहे हैं उतने ही दिन अगर जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो निश्चित ही आपका ये राहु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। यदि उतना लंबा चौड़ा आप नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम ओम नमः शिवाय का पाठ आप 10 माला प्रतिदिन स्टार्ट कर दीजिए। मई के 25-26 तारीख से ही स्टार्ट कर दीजिए और इसे कम से कम करते रहिए 10-15 तारीख जून तक। तो मित्रों, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।